नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के मेरे इस नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता ही है कि आज भी हम एंग्रीनेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। कल हमने देखा कि एंग्रीनेस क्या होता है। एंग्रीनेस इज व्हाट? एंग्रीनेस इज स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसप्लेजर, या हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू द फ्रस्ट्रेशन। जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो हमें गुस्सा आता है। आज हम देखेंगे कि गुस्से को हम डील कैसे करते हैं। कई बार हमारी कंडीशन ऐसी होती है कि हम गुस्सा कर ही नहीं सकते। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मिलिट्री फोर्स में या नेवी फोर्स में हम देखते हैं कि सीनियर ऑफिसर जो भी ऑर्डर देता है उसे हमें ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ता है, उस पर हम कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं। और ये गुस्सा किस तरीके से हम दिखा सकते हैं? हम या तो उनको अवॉइड कर सकते हैं, या हमारे बिहेवियर से हम गुस्सा दिखाते हैं, हम उनसे बोलना बंद कर देते हैं। या और एग्जांपल ले तो हम क्या करते हैं, जब हम गुस्से को काबू नहीं कर पाते हैं या हैंडल नहीं कर पाते हैं तो हम बीमार भी हो सकते हैं। और जब भी ये गुस्से को मौका मिलता है तब वो बाहर आता है। कैसे बाहर आता है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक बार हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में झगड़ा होता है और दोनों गाड़ी में घूमने जा रहे होते हैं। हस्बैंड गुस्से में काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाता है। पुलिस वाला उसे रोकता है कि क्यों भाई तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो, तो वो कहता है नहीं नहीं सर, मैं तो लिमिट में ही चल रहा हूँ, मैं तो 60 पे गाड़ी चला रहा हूँ। तो वाइफ कहती है अरे मैंने तो देखा आपकी गाड़ी तो 80 पे जा रही थी। तो हस्बैंड कुछ नहीं कहता है। फिर पुलिस वाला कहता है कि आपकी टेल लाइट टूटी हुई है। तो वो कहता है अरे अभी अभी हमने टर्न लिया तभी वो टूटी है। वाइफ कहती है कि मैं पिछले 6 महीने से आपको कह रही हूँ कि आप टेल लाइट चेंज करो, लेकिन आप तो चेंज ही नहीं कर रहे हो। तो हस्बैंड जो है वो काफ़ी गुस्से हो जाता है और वो कहता है कि शट अप यू स्टूपिड लेडी। तब पुलिस वाला पूछता है कि आपका हस्बैंड हमेशा ऐसा ही बिहेवियर करता है? तो वाइफ कहती है नहीं नहीं, ऐसा बिहेवियर वो तभी करते हैं जब उन्होंने पी रखी होती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि गुस्सा जो है वो इनडायरेक्टली बाहर आ रहा है। तो हम इसको हैंडल कैसे करें, अब इसको कंट्रोल कैसे करें? तो दोस्तों मेरी एक ही सलाह है कि जब तक हम दो वर्ड्स हैं मेरे, मैं और मेरा, जब तक हम इस फीलिंग से बाहर नहीं आएंगे, जब तक मैं हम अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे इतना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, तो ये जो फीलिंग है ये हमें निकालनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं हमारा अटैचमेंट जो है कि ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस पे मेरा हक है, तो मैं और मेरा, इससे हमें बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारी जो इंद्रियां है वो हमें मजबूर करती हैं और हमारे मन को भी ले जाती हैं, और मन को ले जाने से के साथ साथ फिर हमारी इच्छाएँ जागती हैं, और इच्छाएँ जब पूरी नहीं होती है तब हम गुस्से हो जाते हैं। और जब गुस्सा होता है तो उसका परिणाम क्या होता है? गुस्सा आने से, गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हम मोह में पड़े हैं, और मोह में जब हम पड़ते हैं तब हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है। मेमोरी लॉस हो जाने से हमारा जो बुद्धि है वो भी काम नहीं करता है, और जब बुद्धि काम नहीं करता है तब क्या होता है, हम गलतियाँ करते हैं। तो ये एनालिसिस हमें समझना पड़ेगा कि कैसे मेरी इंद्रियाँ मुझे दौड़ाती हैं, फिर वो मन को इफ़ेक्ट करती हैं, और मन मेरे लिए डिज़ायर्स पैदा करता है, और डिज़ायर्स की वजह से मुझे गुस्सा आता है, और गुस्सा आने से क्या होता है, मेरा मेमोरी लॉस हो जाता है। मेमोरी लॉस हो जाने से मेरी बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने से मैं गलत डिसीजंस लेता हूँ। तो इस सीरीज़ को अगर आप थोड़ा एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।